नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आज आप लोगों के लिए लाया हूँ, आप व्यापारी भाइयों के लिए, कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो उसमें मास्टर का अर्थ क्या होता है। एक्चुअली में जो हमें ऑप्शन दिया जाता है मास्टर एंट्री का, उसका मतलब क्या होता है और क्या किया जाता है एक्चुअली में मास्टर एंट्री में। देखिए, जो मास्टर शब्द है, आप सिर्फ माई बिलिंग पैड में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, हमें ये उसका मतलब पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली में मास्टर क्या है, मैं मास्टर में क्यों जाते हैं। हर सॉफ्टवेयर में अधिकतर आपको मास्टर एंट्री या मास्टर का ऑप्शन क्यों मिलता है, उसमें होता क्या है एक्चुअली में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मास्टर का मतलब क्या होता है, मास्टर में किस चीज़ की एंट्री एक्चुअली में की जाती है। तो अभी मैं आपको माई बिलिंग पैड का ये डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा मास्टर का, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मास्टर एंट्री। यहाँ पे देखिए, जब मैं मास्टर एंट्री पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास ओपन होकर आ जाते हैं। देख रहे हैं आप कंपनी इन्फो, कैटेगरी, सब कैटेगरी, यूनिट टैक्स, ETC। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे एक्चुअली मास्टर का मतलब होता है। दोस्तों, किसी भी व्यापार या बिजनेस में जब हम कोई सॉफ्टवेयर को इनबिल्ड करते हैं, उसमें लेते हैं सॉफ्टवेयर को, तो वहाँ पे जो मास्टर का ऑप्शन होता है वो यूज़ होता है फर्स्ट टाइम एंट्री के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी बनाते हैं, अपने शॉप का नाम उसमें फिल करते हैं, तो वो सारे चीज़ जो फर्स्ट टाइम होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, मास्टर। कहने का अर्थ ये है कि जो पहली बार एंट्री स्टार्टिंग की होगी वो आपकी किस में क्रिएट होगी, मास्टर में। समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों कि एक्चुअली में मास्टर यूज क्यों होता है फर्स्ट टाइम एंट्री के लिए। एग्जांपल के तौर पे देखिए, जब हम सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसमें सपोज दैट सबसे पहले हम अपनी कंपनी का नाम ये सब लिखेंगे, तो वहाँ पे करना है कि आपको कंपनी इन्फो में देखो आपको ऑप्शन मिला, मैंने क्लिक किया कंपनी इन्फो में, ये देखिए कंपनी नेम का पॉपअप ओपन हो गया है, यहाँ पे एक पहले से कंपनी है, मैंने उस पर क्लिक कर लिया। यहाँ पे देखिए पूरा हमारा सब कुछ फिल किए, पूरा कंपनी का जो डिटेल्स हमने इसमें फिल किया था वो यहाँ पे ओपन होके आ गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले कंपनी नेम है, यहाँ पे हमने एक कंपनी नेम अपना फिल किया पवन शॉप, उसके बाद हमारा एड्रेस है, हम यहाँ पे कंपनी का एड्रेस जिस प्लेस पे हमारी कंपनी है वो एड्रेस फिल करेंगे, फिर हमारी कंपनी जिस स्टेट में है स्टेट लिखेंगे, अब कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद उसका जो GST नंबर होगा, CIN नंबर है तो आप CIN नंबर भी लिख लीजिए। फिर यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट्सएप यूज का, मतलब आप अपने कंपनी में जो बिलिंग करेंगे उसमें व्हाट्सएप बिलिंग यूज करेंगे या नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो यस, नहीं तो ऑप्शन नो। उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट ऑफ अमाउंट, बिल कोड किस से स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टिंग का डिजिट क्या हो गया आपका बिल कोड का। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हो, जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन होगी जो आप बिल प्रिंट पे देना चाहते हैं। और उसके बाद अपना बैंक इन्फो, और यहाँ से भी अगर आप व्हाट्सएप बिलिंग करना चाहते हो ये चेक होना चाहिए, और सिंपली उसके बाद आप अपडेट कर दीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा अपडेट सक्सेसफुली, दैट मीन्स हमारा कंपनी का वर्क हो गया जो जो हमें यहाँ पे फिल करना था। इसी प्रकार फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए मास्टर एंट्री पे अगर आपको कैटेगरी बनाना है तो क्लिक करके हम फर्स्ट टाइम कैटेगरी बना लेंगे, सब कैटेगरी बनाना है तो सब कैटेगरी, इसी प्रकार यूनिट, टैक्स टाइप, SMS सेटिंग, टर्मिनल सेटिंग, ये जो सारी चीज़ें आपको देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज के वीडियो में आपको बस ये बताने वाला था कि मास्टर का अर्थ क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, क्योंकि हम उसका वर्क कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बट एक्चुअली हमें पता नहीं होता एक्चुअली में उसका मतलब होता क्या मास्टर शब्द का। तो आज हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर में हमारे जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है माई बिलिंग पैड में मास्टर एंट्री का मतलब होता क्या है, और इस सिर्फ माई बिलिंग पैड में नहीं किसी भी सॉफ्टवेयर में एक्चुअली में मास्टर का मतलब होता क्या है, और वहाँ पर हम किसके रिलेटेड काम करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें ये पता हो कि इस वर्ड का मतलब ये होता है तो हमें वो वर्क करने में आसानी होती है। जैसे मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम एंट्री कहाँ होती है, मास्टर, इसका मतलब है मैं तुरंत डायरेक्ट मास्टर में जाऊँगा, अपनी एंट्री वहाँ पे कर लूँगा। नहीं तो हमें सीखना पड़ता है, कॉल करके पूछना पड़ता है कि फर्स्ट टाइम एंट्री मुझे कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माई बिलिंग पैड सॉफ्टवेयर में मास्टर एंट्री का अर्थ क्या है और मास्टर एंट्री में हम करते क्या है। दोस्तों, अगर आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप के जरिए या कॉल करके कोई भी डिटेल्स, कोई भी क्यूरी आप वहाँ से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।